के वंशजों को आप चोर कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे नकारा डीजी सर हमारे हो गए हैं और वो अपने ही गुरुओं को चोर कह रहे हैं, इसलिए उनको पद मिल गया हुआ है। छोटे लोगों से अब आप बताइए, सहायक पंचायत को लगा रहे हैं हम लोग उपस्थिति लेने के लिए, लेखपाल मेरी उपस्थिति लेगा? मेरे वेतन मान में है वो तो सर, डॉक्टर डॉक्टर से, वीडियो से, लेखपाल से, ग्राम पंचायत से, पंचायत सहायक से, ये मेरी उपस्थिति देंगे? हम इतने बड़े चोर हो गए? भाई फेस उपस्थिति चाहते हैं, हमारी महिला शिक्षिका बहनाएं बहुत हैं, साइबर क्राइम को केवल फेस चाहिए, कहां पहुंचा देंगे? ये इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ऑनलाइन से मांग रहे हैं, हम उनसे पुरानी पेंशन मांगते हैं, हमको पुरानी पेंशन नहीं देते। उनके नेतागण एक नहीं पांच पांच दस दस पुरानी पेंशन ले रहे हैं, प्रोन्नत वेतन मात आठ नौ दस साल से दिए ही नहीं हमको, हमारे पदोन्नति की कोई बात नहीं करते हैं, हमको अर्ध अवकाश देते ही नहीं है। मान लीजिए हमारा अध्यापक विद्यालय में अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया तो कहां जाएगा उसको? आधा अवकाश आप देंगे नहीं, अगर चला जाएगा आप आ जाएंगे तो आप छुट्टी काट लेंगे, एब्सेंट कर देंगे उसको, प्रताड़ित कर लेंगे हमारे अध्यापकों को। शिक्षिका बहने हैं, काफी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से निपटना है हमको, और ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती आप कहते हैं कि 1 दिसंबर से हमको ऑनलाइन उपस्थिति दीजिए, हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति कतई नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। प्रतापगढ़ जिले के बिहार ब्लॉक से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार ब्लॉक के बीआरसी केंद्र सुंदरगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। शिक्षक और शिक्षिकाएं किन मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप देखेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके आपको सबसे पहले। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। उनके वंशजों को आप चोर कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे नकारा डीजी सर हमारे हो गए हैं, इस तरह के डीजी, वो भी अध्यापकों से ही पढ़ के आए हैं और वो अपने ही गुरुओं को चोर कह रहे हैं, इसलिए उनको पद मिल गया हुआ है। छोटे लोगों से अब आप बताइए, सहायक पंचायत को लगा रहे हैं हम लोग उपस्थिति लेने के लिए, लेखपाल मेरी उपस्थिति लेगा? मेरे वेतन मान में है वो तो सर, डॉक्टर डॉक्टर से, वीडियो से, लेखपाल से, ग्राम पंचायत से, पंचायत सहायक से, ये मेरी उपस्थिति देंगे? हम इतने बड़े चोर हो गए हैं, भारत के भविष्य के निर्माता है, भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, भारत को भविष्य में ले जा रहे हैं, देश को जो है पूरे विश्व में अग्रणी करने के लिए अध्यापक ही जो नींव है, बेसिक शिक्षा नींव है, यहीं से वो बच्चे बन के जाते हैं जो आज जो है देश में अपना नाम आगे कर रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी बेसिक शिक्षा से ही पढ़े हैं, जो आज देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है हम लोगों का कि आप किसी भी परिस्थिति में अध्यापक को चोर साबित न कीजिए, कि अध्यापक चोर नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और बखूबी कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं कर रहा है। आप ऑनलाइन जो सूचना मांग रहे हैं वो दे रहा है, उसमें कोई गलती नहीं कर रहा है। अध्यापक को चोर बनाने का काम जो कर रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आपके साथ ये पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है या सिर्फ जनपद प्रतापगढ़? ये पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन में कहने के लिए कि एक संगठन का आज आह्वान है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे सब युवा शिक्षक भाई बहनों शिक्षकों का आज ये धरना प्रदर्शन है और सब एक मत है। आज पूरा ब्लॉक बिहार ब्लॉक जो है मैक्सिमम विद्यालय सब बंद करके और ये बताने आए हैं कि हम आपकी इन नीतियों के विरोध में हैं, हम तानाशाही आपकी नहीं चलने देंगे। वो ये समझते होंगे, जबकि इनको नहीं समझना चाहिए कि इनका नियोक्ता जो है वो मेरे सामने सर झुका के बैठता है और ये छोटे छोटे से अध्यापक जो है मेरे सामने आप उठा करके मुझसे अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि भारतवर्ष है और यहाँ जनमत जो होता है, यहाँ जो भीड़ होती है उसी की जीत होती है। इसका प्रमाण अंग्रेजों के जमाने में मिल गया है कि पूरा भारत एक करके उनको भगा दिया, और अगर ये करेंगे तो इनकी भी यही दफा होगी जो दफा अंग्रेजों की होगी। सबके द्वारा यहाँ धरना पर प्रदर्शन किया जा रहा है बीआरसी केंद्र पर, किस बात को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? धन्यवाद लोकेश भैया, ये धरना प्रदर्शन सरकार की कह लीजिए, शासन की कह लीजिए, जिसकी भी कह लीजिए, अध्यापकों के ऊपर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है
और ये बहुत दिनों से जब भी डीडी सर के पास जाया जाता है वो बात करते हैं, कहते हैं करेंगे, हाँ लेकिन करते नहीं है। किया क्या उन्होंने कि एक आध परसेंट टेबलेट बांट दिया, और टेबलेट बांटने के बाद पहले 6 जिले में लगाए, अब पूरे प्रदेश में उपस्थिति ऑनलाइन अध्यापक दे कहां से देगा वो? आपने ना उसको डाटा दिया ना आपने उसको टेबलेट दिया, आप उसके मोबाइल सर कहां पर आना चाहते हैं? सारे ऐप आपने उसके मोबाइल पे लोड करवाए, अब इसको भी आप चाहते हैं कि वो जो है हमारा अध्यापक अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन उपस्थिति दे। साइबर क्राइम की स्थिति ये है, मोबाइल फेस उपस्थिति चाहते हैं, हमारी महिला शिक्षिका बहनाएं बहुत है, साइबर क्राइम को केवल फेस चाहिए, कहां पहुंचा देंगे ये इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय डीजी महोदय के कोई रिलेटिव हैं जो इसके कर्ता धरता है, वो कारण बने हुए हैं इसके, वो केवल अपना कुल मिलाकर के नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से पूरे, सबसे बड़ी चीज तो एक अध्यापक को चोर समझ रहे हैं वो। हम उनसे जो कहते हैं कब कुछ नहीं किए, आज इतने दिन से वार्ता हो रही है, ये जो है हमारी मांगे जो है क्या क्या है, ऑनलाइन से मांग रहे हैं, हम उनसे पुरानी पेंशन मांगते हैं, हमको पुरानी पेंशन नहीं देते, उनके नेतागण एक नहीं पांच पांच दस दस पुरानी पेंशन ले रहे हैं, प्रोन्नत वेतन मात 8-9-10 साल से दिए ही नहीं हमको, हमारे पदोन्नति की कोई बात नहीं करते हैं, हमको अर्ध अवकाश देते ही नहीं है। मान लीजिए हमारा अध्यापक विद्यालय में अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया तो कहां जाएगा उसको, आधा अवकाश आप देंगे नहीं, तो चला जाएगा, आप आ जाएंगे तो आप छुट्टी काट लेंगे, एब्सेंट कर देंगे उसको, प्रताड़ित कर लेंगे हमारे अध्यापकों को। शिक्षिका बहने हैं, काफी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से निपटना है हमको, और ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती आप कहते हैं कि 1 दिसंबर से हमको ऑनलाइन उपस्थिति दीजिए, हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति कतई नहीं देंगे, देंगे आप उसकी व्यवस्था मुझको दीजिए, मैं ऑनलाइन उपस्थिति दूंगा। और आज जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षा जगत के गुरु